चलिए तो अब हम लोग आज स्टार्ट करते हैं चिक का डेवलपमेंट। चिक का डेवलपमेंट देखने से पहले हम लोग कुछ इनकी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि हमें एग के बारे में पता होना चाहिए। तो यहाँ पे चिक का एग का स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है। इस एग के स्ट्रक्चर को पहले हम लोग देखेंगे। और बेसिकली अगर एग के स्ट्रक्चर की बात करें तो जैसे कि हमने जब आपको टाइप ऑफ एग बताए थे तो हमने वहाँ पे एक क्लोडोइक टाइप का एग बताया था जिसके पास क्या होता है, शेल होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। तो जो ये एग होते हैं, चिक के एग होते हैं, उनके पास क्या होता है, कैल्केरियस या कैल्शियम कार्बोनेट का शेल पाया जाता है, ठीक है। इनके एग की अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे इनर साइड में एक योक का स्ट्रक्चर होता है, फिर यहाँ पे एक मीन्स साइटोप्लाज्म पाया जाता है, क्योंकि ये कैसे एग होते हैं, ये पॉलीलेसाइथल एग होते हैं। आपको अगर याद हो जब हम टाइप ऑफ एग बता रहे थे तो ये कैसे होते हैं, पॉलीलेसाइथल एग होते हैं, या इनको मैक्रोलेसाइथल एग कहते हैं, या फिर ये टीलोलेसाइथल होते हैं, मीन्स कि इनके वन साइड में योक का कंटेंट होता है। तो क्योंकि यहाँ पे जो मेजर कंट्रीब्यूशन है वो योक का होता है, तो जो साइटोप्लाज्म, जो कि जैसे हम आपको बताते थे कि साइटोप्लाज्म होता है एनिमल पोल पे और वेजिटल पोल पे योक कंटेंट होता है, तो यहाँ पे साइटोप्लाज्म एक बहुत छोटा सा डिस्क के फॉर्म में रहता है, ठीक है। ज़्यादातर कंटेंट किसका होता है, योक का होता है। और जो साइटोप्लाज्म होता है वो जहाँ पे न्यूक्लियस पाया जाएगा वो एक छोटे से डिस्क के फॉर्म में रहता है, उस साइटोप्लाज्म को कहा जाता है ब्लास्टोडिस्क, ठीक है। तो जो चिक का एग होता है उसमें मेजर चीज़ें क्या होती हैं, योक कंटेंट होता है। योक कंटेंट में वन एक साइड पे क्या होता है कि यहाँ पे एक्टिव साइटोप्लाज्म होता है, जहाँ से क्लीवेज शुरू होगा, इसको ब्लास्टोडिस्क कहा जाता है, या इसको जर्माइनल डिस्क भी कहा जाता है। इसके बाद इस जर्माइनल डिस्क से यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना होता है जिसे नेक ऑफ लेटेब्रा कहते हैं, ठीक। इसके बाद फिर इसके इनर शेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, आउटर शेल मेम्ब्रेन होता है, और इसका जो योक कंटेंट होता है, तो आप यहाँ पे योक कंटेंट देख रहे हैं कि आपको व्हाइट और येलो दो कलर के योक दिख रहे हैं। तो ये वाइट, जैसे सपोज कि यहाँ पे येलो योक कंटेंट होगा, फिर इसके बाद यहाँ पे लेयर होगी वाइट योक कंटेंट की। जैसा अगर आपने कभी एग देखा हो तो बेसिकली उसमें अंदर तो येलो ही दिखता है, लेकिन एक्चुअल में वो क्या होता है, वाइट और येलो का कंटेंट होता है उसमें। फिर इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो जो इसके योक के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन होती है उसको कहा जाता है विटलाइन मेम्ब्रेन, उसको कहा जाता है विटलाइन मेम्ब्रेन। और फिर इसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक एयर स्पेस पाया जाता है, और एग के चारों तरफ एक बहुत ही मींस की थिन लेयर होती है जिसको इनर मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है, एग के चारों तरफ। और यहाँ पे होता है एल्बुमिन, ठीक है, एल्बुमिन। तो बेसिकली एल्बुमिन का जो कंटेंट, तो यहाँ पे योक के कंटेंट का पूरा दिया हुआ है कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो जो एग होता है, एग में बेसिकली जो वाटर कंटेंट होता है वो 48.7% होता है, अप्रॉक्सीमेटली 50% इसमें वाटर होता है, 32% फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, फैट होता है, 16% प्रोटीन होता है, 1% कार्बोहाइड्रेट होता है, और कुछ अदर मॉलिक्यूल्स होते हैं। अगर हम लोग एल्ब्यूमिन और योक की बात करें तो उसमें और भी मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, जैसे कि एंजाइम्स होते हैं, वाइटमिन्स होते हैं, पिगमेंट्स होते हैं, फॉस्फोरस होता है, ठीक है। तो ये एग का स्ट्रक्चर है। बेसिकली जब क्लीवेज स्टार्ट होगा तो वो कहाँ से होगा, ब्लास्टोडिस्क के होगा। तो आपको ये याद रखना है कि जो एक्टिव साइटोप्लाज्म एग में, चिक के एग में होता है वो क्या होता है, ब्लास्टोडिस्क होता है, उसको हम लोग जर्माइनल डिस्क भी कह सकते हैं। और यहाँ पे जो एल्बुमिन भी कई तरह का होता है, कि एक एक थिनर एल्बुमिन होता है और एक थिक एल्बुमिन होता है। तो जो थिक एल्बुमिन होता है वो एक चलेजा टाइप का स्ट्रक्चर बनाता है, जो कि यहाँ पे इसको इस तरह से सपोर्ट करके रखता है, ठीक है, योक कंटेंट को। तो इसको चलेजा बोलते हैं, या चलेजीफेरस एल्बुमिन से ये मिलके बना होता है। तो एल्बुमिन भी डेंस और लाइटर होते हैं। इसके बाद फिर हम लोग आगे बात करते हैं, ठीक है, इसके क्लीवेज की बात करते हैं। तो सबसे पहले पहली बात तो ये है कि जब इसके फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं तो प्राइमरी ऊसाइट से सेकेंडरी ऊसाइट मींस कि चिक के ओविडक्ट में ही रिलीज़ किया जाता है ओवोल्यूशन के बाद। और जब सेकेंडरी ऊसाइट ओवोल्यूशन के बाद रिलीज होता है तो ओविडक्ट में ही स्पर्म के थ्रू फर्टिलाइजेशन होता है। और फर्टिलाइजेशन जब हो जाता है, ओविडक्ट के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होता है, तो फर्टिलाइजेशन अकर इन ओविडक्ट प्रायर टू सिक्रीशन ऑफ एल्बुमिन। कहने का मतलब यह है कि जो एग का आपको ये एल्बुमिन दिख रहा है, या ये शेल का स्ट्रक्चर दिख रहा है कैल्शियम कार्बोनेट का, ये बाद में बनता है
पहले फर्टिलाइजेशन हो जाता है, ठीक है। तो कहाँ पे बनता है, जैसे यहाँ पे दिया है कि फर्टिलाइजेशन अकर इन ओविडक्ट प्रायर टू सिक्रीशन ऑफ एल्बुमिन एग वाइट एंड डिपोजिशन ऑफ शेल, तो शेल के स्ट्रक्चर के बनने से पहले और साथ में एल्बुमिन के डिपोजिशन मीन्स बनने से पहले ही ओविडक्ट के अंदर एग का फर्टिलाइजेशन हो जाता है। आपको पता है कि इसके क्लीवेज को मीन्स हमने जब आपको क्लीवेज पैटर्न बताए थे तो जो ये एवियंस के या चिक के जो क्लीवेज होते हैं वो डिस्क्वाइडल होते हैं, डिस्क्वाइडल मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। मीरोब्लास्टिक मतलब इनकम्प्लीट, डिस्क्वाइडल इसलिए कहा गया क्योंकि कहाँ पर क्लीवेज होता है, इस ब्लास्टो डिस्क में होता है, इस डिस्क के स्ट्रक्चर की वजह से इसको डिस्क्वाइडल बोला जाता है। और मीरोब्लास्टिक होता है मींस कि इनकंप्लीट क्लीवेज होता है, इसलिए होता है क्योंकि ये मैक्रोलेसाइथल एग है, इनके पास योग कंटेंट बहुत ज्यादा है, इसलिए इनमें प्रॉपर पूरा योग में डिवीजन नहीं हो सकता है, सिर्फ एक्टिव साइटोप्लाज्म में होगा, तो इसलिए यहां पे क्या होता है, डिस्क्वाइडल मीरोब्लास्टिक क्लीवेज होता है। क्लीवेज अकर ओनली इन ब्लास्टोडिस्क, जैसा कि हमने आपको बताया कि क्लीवेज कहाँ पाया जाता है, ब्लास्टोडिस्क में होता है, ठीक है, ब्लास्टोडिस्क में होता है या फिर जर्माइनल डिस्क में होता है, स्मॉल डिस्क ऑफ साइटोप्लाज्म, जो कि जो जर्माइनल डिस्क, जो हमने आपको ब्लास्टोडिस्क बताई कि जो ये योग कंटेंट है, योग कंटेंट के ऊपर ये जो ब्लास्टोडिस्क पाई जाती है जिसको हम लोग जर्माइनल डिस्क भी कहते हैं, इसकी जो साइज होती है वो होती है 2 to 3 millimeter इन डायमीटर, डायमीटर में होती है, ठीक है। तो फर्स्ट क्लीवेज फरो अपीयर सेंट्रली। अब इसके बाद क्या होता है कि अगर हम लोग इसके क्लीवेज की बात करें तो क्लीवेज पैटर्न कैसे शो होती है, तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे सीधे क्लीवेज पर ही आते हैं, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये क्लीवेज की पैटर्न दिख रही है, तो यहाँ पे क्या होता है कि पहले दो क्लीवेज राइट एंगल होती है, फर्स्ट दो क्लीवेज राइट एंगल मीन्स कि इक्वेटोरियल क्लीवेज होते हैं, थर्ड क्लीवेज जो होता है वो वर्टिकल क्लीवेज होता है। अब आपको ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए, तभी आपको जैसे हमने क्लीवेज बताया था तो आपको पता होना चाहिए कि इक्वेटोरियल कैसा होता है, वर्टिकल कैसा होता है। तो फर्स्ट टू क्लीवेज कैसे होते हैं, राइट एंगल तो उसको हम लोग इक्वेटोरियल क्लीवेज कहेंगे, फिर वर्टिकल क्लीवेज होता है, और इस तरीके से देखिए यहाँ पे फिर क्लीवेज करते करते यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे एक आपको मीन्स सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स दिख रहा है, मीन्स कि यहाँ पे होता है 5 to 6 सेल्स के लेयर बन जाते हैं, मतलब कि लेयरिंग हो जाती है, 5 to 6 मीन्स लेयर बनती है जो कि 20 सेल स्टेज होती है, 20 सेल स्टेज, और इसके बाद फिर ये क्लीवेज होता है। क्लीवेज होने के बाद, क्लीवेज होने के बाद क्या होता है कि इसमें 3 एरियाज बनते हैं। ब्लास्टोडिस्क में जो क्लीवेज होता है उसके अंदर की कुछ सेल, उसके अंदर की कुछ सेल क्या करती हैं कि वो शेड ऑफ हो जाती हैं, अंदर की कुछ सेल शेड ऑफ होती हैं, डाई करती हैं, जो यहाँ पे अंदर में कुछ सेल्स होती हैं जो शेड ऑफ होती हैं, डाई होती हैं, और डाई होके एक ट्रांसल्यूसेंट मींस कि ट्रांसपेरेंट टाइप का स्ट्रक्चर बनाती हैं जहाँ पे कुछ ही सेल्स होती हैं, उसको कहा जाता है एरिया ऑफ पैलिसोडा, एरिया ऑफ पैलिसोडा। इसके बाद बाहर का जो इसके एरिया होता है वो डार्क होता है, उसको कहा जाता है एरिया ऑफ ओपेका। और इसके बाद यहाँ पे एक साइड पे होता है मार्जिनल जोन, जिसको कहा जाता है मार्जिनल जोन। तो यहाँ पे देखिए, तो आपको क्या समझना है कि इसमें क्या होता है कि जब ब्लास्टोडिस्क में क्लीवेज होता है तो क्लीवेज होने के बाद जो 5 to 6 लेयर की सेल्स का फॉर्मेशन होता है उसमें से कुछ सेल्स इनर साइड की, अंदर के साइड की कुछ सेल्स शेड होती हैं, डाई करती हैं, जो सेंटर की सेल्स होती हैं, और वो एक सिंगल लेयर में चेंज हो जाती हैं। सेंटर की सेल्स शेड और डाई होके एक सिंगल लेयर का फॉर्मेशन करती हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एरिया ऑफ पैलिसोडा। आगे चल के ये एपीब्लास्ट का फॉर्मेशन करती हैं, ठीक है, वो हम बाद में बताएंगे, एपीब्लास्ट का फॉर्मेशन करती हैं। इसके बाद इनके एजेस पर जो सेल पाई जाती हैं, जो एजेस पर सेल पाई जाती हैं उनको कहा जाता है एरिया ऑफ ओपेका। भाई सेंटर में सेल्स हैं, कुछ सेल सेंटर की जो हो गई क्या हो गई, वो शेड ऑफ हो गई, उन्होंने एक सिंगल लेयर लेयरिंग कर ली, उसको एपीब्लास्ट कहा गया, उसी एरिया को कहा जाता है एरिया ऑफ पैलिसोडा। उसके चारों तरफ की जो लेयर्स होती है मीन्स की सेल्स होती है उनको कहा जाता है एरिया ऑफ ओपेका, क्योंकि ये सेल्स योग के जस्ट बगल में हैं, योग मतलब जो पाया जाएगा योग के आसपास होती है, तो इसलिए ये सेल्स कैसी होती हैं, ये थोड़ी डार्कर होती हैं और डेंस होती हैं, तो इसीलिए ओपेका, ओपेक नाम, मतलब ओपेक मतलब क्या होता है कि जो ट्रांसपेरेंट ना दिखे, तो इसीलिए इनको कहा गया एरिया ऑफ ओपेका। और एक
एक मार्जिनल जोन पाया जाता है जो कि इम्पॉर्टेंट होता है, फेट को डिटरमाइन करने के लिए इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसके बारे में अभी हम लोग आगे बात करेंगे। तो इस तरीके से क्या हो गया, एक मींस एरिया ऑफ ओपेका जनरेट हुआ, एरिया ऑफ पेलुसिडा बना और एक मार्जिनल जोन बना जब क्या हुआ, क्लीवेज हुआ। ठीक, अब आगे क्या होता है, यहाँ पे आप इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि जो ये वाली ये एरिया पेलुसिडा कौन सी स्ट्रक्चर, देखिए एक सिंगल आपको लाइन दिख रही है, जैसा हमने बताया कि यहाँ के अंदर की सेल्स को शेड ऑफ हो गई, डाई कर गई और उन्होंने एक सिंगल लेयर स्ट्रक्चर बनाया जो कि एरिया ऑफ पेलुसिडा हो गया। यहाँ पे देखिए ये इस तरह का स्ट्रक्चर दिख रहा ओपेक टाइप का, तो इसको कहा गया एरिया ऑफ ओपेका, और यहाँ पे नीचे योग कंटेंट होगा और यहाँ पे एक साइड में एक तरफ दिखती है मार्जिनल जोन सेल्स। मार्जिनल जोन सेल्स अभी हम आगे बताएंगे कि वो कैसे पोस्टीरियर एंटीरियर में कहाँ पे होती हैं, वो आपको आगे भी क्लियर हो जाएगा। अब इसके बाद फिर क्या होता है आगे, आगे देखिए एड, अच्छा यहाँ पे जो सेंटेंस लिखे हुए हैं थोड़े से देख लीजिए, जैसे लिखा है कि क्लीवेज अकर ओनली इन ब्लास्टो डिस्क और जर्माइनल डिस्क, अ स्मॉल डिस्क ऑफ ब्लास्टो मीन्स की जो ब्लास्टो डिस्क होती है वो 2 to 3 millimeter डायमीटर की होती है, वहीं पे सिर्फ क्लीवेज होता है, योग कंटेंट में क्लीवेज नहीं होता। फर्स्ट क्लीवेज फरो अपीयर सेंट्रली, सेंटर में आपने जैसे देखा कि सेंटर में क्लीवेज हुआ और क्लीवेज होने के बाद सिंगल लेयर एक ब्लास्टोडर्म बनता है, सिंगल लेयर ब्लास्टोडर्म बनता है। लेटर क्लीवेज डिवाइड द ब्लास्टोडर्म इन 5-6 लेयर थिक टिश्यू बिटवीन मीन्स ब्लास्टोडर्म एंड योग इज स्पेस इज कॉल्ड जर्माइनल कैविटी और स्पेस। अब क्या होता है कि यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे क्या हुआ कि ये एरिया ऑफ ओपेका था, ये आप देख पा रहे हैं कि ये एरिया ऑफ ओपेका है यहाँ पे, ठीक है। ये एरिया ऑफ, ये एरिया क्या है, ये एरिया यहाँ पे एरिया ऑफ पेलुसिडा था, ठीक है। पेलुसिडा में ही क्या हुआ था कि बीच में सेल्स को शेड हुए थे, शेड होने के बाद मतलब जो जो ब्लास्टो डिस्क, मतलब सपोज ये ब्लास्टो डिस्क था, यहाँ पे कुछ सेल्स क्या हुए थे, शेड हुए थे, डाई हुए थे और उन्होंने कुछ एक सिंगल लेयर स्ट्रक्चर बना लिया था जिसको हमने क्या कहा था, एरिया ऑफ पेलुसिडा, और इसके उसके बाद के जो चारों तरफ के सेल्स थे उनको कहा गया था एरिया ऑफ ओपेका। तो ये तो एरिया ऑफ ओपेका का स्ट्रक्चर है। इसके बाद ये जो आपको दिख रहा सिंगल लेयर जो कि एपिब्लास्ट दिख रहा है, ये एक्चुअली में ये रीजन पूरा क्या है, ये रीजन है एरिया ऑफ पेलुसिडा, ठीक है। ये क्या रीजन है, एरिया ऑफ पेलुसिडा, और एरिया ऑफ पेलुसिडा ने ही सिंगल लेयर स्ट्रक्चर क्या बनाया है, ब्लास्टोडर्म का ये एक स्ट्रक्चर यहां पे बन गया है। अब इसके बाद जहां पे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो ये रेड कलर के सेल्स दिख रहे हैं ये हैं पोस्टीरियर मार्जिनल सेल्स। एक जगह पर, एक पोस्टीरियर एंड पर बनता है, एक जोन बनता है जिसको कहा जाता है पोस्टीरियर मार्जिनल जोन, ठीक है। इसके बाद फिर क्या होता है, इसके बाद फिर क्या होता है कि यहाँ पे पोस्टीरियर मार्जिनल जोन के पास कुछ स्पेसिफिक टाइप के सेल्स पाए जाते हैं जिनको कहा जाता है कोलर सिकल सेल्स या कोलर सिकल रीजन, ठीक है। पोस्टीरियर साइड पर जहाँ पोस्टीरियर मार्जिनल जोन है जो कि बना किससे है, बना तो एपिडर्मिस ही, मतलब कि जो एपिब्लास्ट है इसी से ही बना है पोस्टीरियर मार्जिनल जोन, लेकिन ये थिकन मतलब एरिया जो बना है यहाँ पे क्या, यहीं पर पास में कुछ सेल्स पाए जाते हैं जिन्हें कहा जाता है कोलर सिकल रीजन, ठीक है, कोलर सिकल रीजन। अब क्या होता है कि जो एपिडर्मिस जो कि ये क्या बना है, एपिब्लास्ट जो बना है, ये जो आपको दिख रहा है ये एपिब्लास्ट जो बना किसके थ्रू बना, एरिया पेलुसिडा के थ्रू एपिब्लास्ट जो बना है, इस एपिब्लास्ट में अगर देखेंगे तो कुछ सेल्स यहाँ पे, कुछ सेल्स एपिब्लास्ट से ही डीलेमिनेट होते हैं। अब डीलेमिनेट का प्रोसेस अगर आपको याद हो तो डीलेमिनेशन के प्रोसेस में क्या होता है, ऐसा हमने आपको बताया था डेवलपमेंटल जब कॉन्सेप्ट बता रहे थे कि क्या होता है कि सपोज कि ये एक लेयर है और इस लेयर से कुछ सेल्स ऐसे माइग्रेट करके एक सेकेंड लेयर का फॉर्मेशन कर लेती हैं, इसको कहा जाता है डीलेमिनेशन। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है डीलेमिनेशन, यहाँ पे इसी एपिब्लास्ट की कुछ सेल्स यहाँ पे शिफ्ट होती हैं और कहाँ पे आती हैं, सब जर्माइनल स्पेस में। अब क्या होता है, हमने आपको ये बताया कि जो योग कंटेंट है और जो एपिडर्मिस है, जैसे कि यहाँ पे आप देखिए क्या लिखा है कि जो ब्लास्टोडर्म बना है और जो योग स्पेस है उसके बीच में जो स्पेस होता है उसको कहा जाता है सब जर्माइनल कैविटी। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे जो ये ब्लास्टोडर्म बना है और ये योग है इसके बीच में कैविटी आपको दिख रही है, वो कैविटी क्यों बनी है, क्योंकि इसके चारों तरफ क्या है, एल्बुमिन है,
ठीक है, ये तो हम एक किसी पर्टिकुलर जहां ब्लास्टो डिस्क का एरिया वहां के एरिया को लेके हम बता रहे हैं, लेकिन इस एग के चारों तरफ तो एल्बुमिन है और एल्बुमिन में बहुत सारा वाटर है, तो जो ये सब जर्माइनल स्पेस या सब जर्माइनल कैविटी बनती है ये किसके किसके बीच में बनती है, योक कंटेंट और ये ब्लास्टोडर्म के बीच में बनती है और इसमें वाटर कंटेंट फिल हो जाता है। कहाँ से वाटर कंटेंट आता है? एल्बुमिन से। ठीक है, एल्बुमिन से वाटर प्लस सोडियम आयन भी आते हैं, वाटर प्लस सोडियम आयन। सोडियम आयन का क्या काम है हम आगे बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वाटर इस स्पेस में भर जाता है, फिर इसके बाद और इस जगह को इस स्पेस में वाटर भर जाएगा। इसके बाद फिर क्या हुआ कि जो ये एपिब्लास्ट की सेल्स हैं, ये एपिब्लास्ट की सेल्स डीलेमिनेट करके, जैसा हमने बताया डीलेमिनेशन के प्रोसेस में क्या होता है कि जो एक लेयर होती है एपिब्लास्ट, उसी से एक सेकेंड लेयर बनती है डीलेमिनेशन के प्रोसेस के थ्रू। तो यहाँ पे क्या हुआ कि कुछ सेल्स नीचे आएंगे और इस तरीके से ये स्ट्रक्चर बनाना शुरू करेंगे, तो इनको कहा जाएगा, क्योंकि ये एपिब्लास्ट है और इसके नीचे जो लेयर बन रही इसको क्या कहा जाएगा, हाइपोब्लास्ट सेल्स। तो क्या होता है, हाइपोब्लास्ट डीलेमिनेटिंग फ्रॉम एपिब्लास्ट। एपिब्लास्ट ब्लास्ट से क्या बन रहा है, हाइपोब्लास्ट बन रहा है डीलेमिनेशन के प्रोसेस से। ठीक, अब दूसरी तरफ क्या होता है कि जो ये मार्जिनल जोन दिख रहा है या जो कोलकर सेल्स दिख रही हैं, यहां पे क्या होता है, जो हाइपोब्लास्ट सेल्स माइग्रेट फ्रॉम डीप सेल ऑफ पोस्टीरियर रीजन। ये एक्चुअली में क्योंकि पोस्टीरियर मार्जिनल जोन है, ये पोस्टीरियर रीजन है, यहां से क्या होता है, यहां से ये जो सेल्स हैं ये क्या करना शुरू करती हैं, माइग्रेट होना शुरू करती हैं। ठीक है, ये माइग्रेट होते होते यहाँ पे देखिए इस तरीके से ये सेल्स माइग्रेट हो रही हैं और ये वाले जो सेल्स हैं ये भी इधर से आ रहे हैं। तो ये जब सेल्स एक लेयर बनाते हैं तो ये हो जाता है प्राइमरी हाइपोब्लास्ट, और इसके बाद जब ये वाले सेल्स आके इस तरह से इससे जुड़ जाते हैं तो ये हो जाता है सेकेंडरी हाइपोब्लास्ट, और इसके बीच में एक कैविटी बन जाती है, इस कैविटी को कहा जाता है ब्लास्टोसील। और ब्लास्टोसील किस स्ट्रक्चर में होगा, जहां ब्लास्टुला बनेगा, तो एक्चुअली में ये क्या है, ये ब्लास्टुलेशन हो रहा है। ठीक है, अब इसके बाद यहां पे आप देखिए, एट द स्टेज द डीप सेल सेंटर ऑफ ब्लास्टोडर्म आर शेड एंड डाई, लीविंग बिहाइंड वन थिक सेल एरिया कॉल्ड पेलुसिडा का हमने आपको बताया, ओपेका का स्ट्रक्चर बताया, मार्जिनल जोन भी बता दिया। बिटवीन द एरिया ऑफ पेलुसिडा एंड एरिया ऑफ ओपेका इज अ नैरो लेयर इज कॉल्ड द मार्जिनल जोन, जो कि यहाँ पे ये मीन्स ये एरिया ऑफ पेलुसिडा है और ये एरिया ऑफ ओपेका, यहाँ पे एक जोन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पोस्टीरियर मार्जिनल जोन। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग तो इतनी इतनी चीजें आपको समझ में आई होंगी। ठीक, कि क्या होता है कि जब ब्लास्टो डिस्क का यहाँ पे डिवीजन होता है, ठीक है, डिवीजन यहाँ पे ब्लास्टो डिस्क में हो रहा है, जो कि कैसा होता है, डिस्कॉइडल म्यूरोब्लास्टिक डिवीजन होता है। डिवीजन होने के बाद यहाँ पे 5 to 6 लेयर की लेयर बनती है, बनने के बाद इसके सेंटर की कुछ सेल्स शेड और डाई हो जाती है, जब वो शेड और डाई होती है तो एक एरिया ऑफ पेलुसिडा स्ट्रक्चर बनता है और उसके चारों तरफ मार्जिन में जो डार्कर सेल्स होती हैं वो बनाती हैं एरिया ऑफ ओपेका, और एक साइड में पोस्टीरियर एंड पे एक मार्जिनल होता है। इसके बाद फिर क्या होता है कि इसी स्ट्रक्चर को, सपोज कि इसी स्ट्रक्चर को अगर हम यहां पे देखें तो यहां पे इस तरह से दिखाया गया है, तो यहां पे क्या हो रहा है कि ये एरिया ऑफ ओपेका है, ठीक है, ये एरिया ऑफ पेलुसिडा है, एरिया ऑफ पेलुसिडा में ही क्या होता है कि ये यहाँ पे सेल्स जब मींस शेड ऑफ होती है तो एरिया ऑफ पेलुसिडा जो बना है वो एक ब्लास्टोडर्म, सिंगल लेयर ब्लास्टोडर्म का स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगी। यही जो सिंगल लेयर ब्लास्टोडर्म होती है आगे चल के ये क्या करती है, एल्बुमिन से यहाँ पे वाटर को एब्जॉर्व किया जाता है, तो योक और ब्लास्टोडर्म के बीच में एक कैविटी बनती है जिसको बोला जाता है सब जर्माइनल कैविटी, और इसके बाद फिर क्या होता है, ये एपिब्लास्ट सेल डीलेमिनेशन के प्रोसेस से क्या बनाती है, हाइपोब्लास्ट बनाती है। जो एपिब्लास्ट डीलेमिनेशन के प्रोसेस से हाइपोब्लास्ट बना रही उन सेल्स को प्राइमरी हाइपोब्लास्ट कहा जाता है। फिर पोस्टीरियर मार्जिनल जोन से ये क्या होती हैं, ये माइग्रेट करते हैं सेल्स, है ना, माइग्रेट करने के बाद यहाँ पे ये इससे जुड़ के इस तरह का लेयर बना लेते हैं, तो ये सेकेंडरी हाइपोब्लास्ट बन जाता है, और इस प्रोसेस के ड्यूरेशन में एक कैविटी बनती है, उसको कहा जाता है ब्लास्टोसील। ठीक है, तो ब्लास्टोसील का फॉर्मेशन हो गया। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब तो
ये ब्लास्टुलेशन का प्रोसेस था, ब्लास्टोसील बन गया, और ये जो हाइपोब्लास्ट जो बन रहा है, ठीक है, हाइपोब्लास्ट जो ये यहां तक बन रहा है, ये सारा प्रोसेस, क्योंकि आपको पता है कि एग ले डाउन होता है, ये बर्ड्स के केस में, चिक के केस में है ना, एग ले डाउन होता है, तो लेकिन ये जो जितना प्रोसेस अभी तक देखा है, ये सारा कहां होता है, ओविडक्ट में, मतलब कि अभी ये इंटरनल ही हो रहा है, ठीक है। जब एग ले डाउन हो जाता है तो फिर आगे के प्रोसेस होते हैं, गैस्ट्रुलेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है। तो इतना आपको ये चीज याद रखनी है। अब इसके बाद, तो अब कैसे, जैसे हाइपोब्लास्ट जो अभी बना है उसके बारे में थोड़ा और यहां पे डिटेल में दिया गया है कि बाय द टाइम ऑफ सेल इज लेड, जिस समय एग लेड होता है, ठीक है, जब एग लेड होता है, ब्लास्टोडर्म कंटेन, ब्लास्टोडर्म के पास अप्रोक्सीमेटली 20,000 सेल्स होती हैं, ठीक है, जिस समय एग ले डाउन होता है, ठीक है, उस समय, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे ब्लास्टोडर्म तो बन चुका है, तो ये जो ब्लास्टोडर्म बना होता है एग ले डाउन के टाइम, उस समय इसके पास कितनी सेल्स होती है, 20,000 सेल्स होती है। मोस्ट ऑफ द एरिया पेलुसिडा सेल्स स्टे ऑन सरफेस एंड फॉर्म द एपीब्लास्ट। तो ज्यादातर जो एरिया पेलुसिडा का स्ट्रक्चर होता है उसने क्या बना लिया होता है, एपीब्लास्ट। अ नंबर ऑफ एरिया पेलुसिडा सेल्स डीलेमिनेट एंड माइग्रेट इनटू सब जर्माइनल कैविटी वेयर दे फॉर्म पॉली इन्वेजिनेशन आइलैंड और प्राइमरी हाइपोब्लास्ट। जो कि हमने बताया कि क्या हो रहा है कि ये सेल्स, इनको कहा जाता है पॉली इन्वेजिनेशन आइलैंड के फॉर्म में है। देखिए अभी ये आइलैंड के फॉर्म में है और आगे चल के ये आइलैंड फिर क्या हो जाते हैं, और ये डिस्कनेक्टेड भी है, एक दूसरे से जुड़े भी हुए नहीं है, लेकिन आगे चल के ये फिर क्या बनाएंगे, प्राइमरी हाइपो ब्लास्ट बना लेंगे। तो यहीं पे ये सारी जो लैंग्वेज है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए आपको ध्यान से समझना था। नंबर ऑफ एरिया पेलुसिडा डीलेमिनेट माइग्रेट सब जर्माइनल कैविटी वेयर दे फॉर्म पॉली इन्वेजिनेशन आइलैंड प्राइमरी हाइपोब्लास्ट अ लूज कलेक्शन ऑफ आर्चीपिलागो डिसकनेक्टेड क्लस्टर ऑफ ग्रुप कंटेनिंग 5 to 20 सेल ईच। कहने का मतलब यह है कि जो ये आपको सेल्स दिख रही हैं, ठीक है, जो ये आपको सेल्स दिख रही हैं, इनको आर्चीपिलागो कहा जाता है या आइलैंड कहा जाता है, पॉली इन्वेजिनेशन आइलैंड कहा जाता है। ये जो ग्रुप्स होते हैं वो 5 to 20 सेल्स के होते हैं, ठीक है, ये ग्रुप ग्रुप में होते हैं और डिसकनेक्टेड फॉर्म में होते हैं। बाद में चल के ये क्या बना लेते हैं, प्राइमरी हाइपोब्लास्ट का फॉर्मेशन कर लेते हैं। फिर इसके बाद शॉर्टली आफ्टर एग इज लेड। अब इसके बाद यहां तक तो ये जितना प्रोसेस था क्या था, वो मींस ओवरी के अंदर ही हो रहा था, मतलब सॉरी ओविडक्ट के अंदर ही हो रहा था। तो आगे चल के अब क्या होगा कि जैसे ही एग ले डाउन होता है, अ स्मॉल थिकनिंग ऑफ एपीब्लास्ट कॉल्ड कोलकर सेल्स, और फिर जो कोलर सेल्स होती हैं, जो यहाँ पे आपको कोलर सेल्स दिख रही, यहाँ पे थिकनिंग शुरू हो जाती है, ठीक है, जैसे ही ले डाउन होता है थिकनिंग शुरू होती है, क्योंकि आगे चल के is formed edge of the area pellucida which is marked as a posterior of the embryo। और जहां पे कोलर सेल्स होती है वही एम्ब्रियो का पोस्टीरियर बनने वाला है, ठीक है, वही क्या बनने वाला है, पोस्टीरियर बनने वाला है। और कोलर सेल्स के पास एक बेल्ट लाइक स्ट्रक्चर बनता है, जो कि हमने आपको बताया, जिसको कहते हैं पोस्टीरियर मार्जिनल जोन, ठीक है, पोस्टीरियर मार्जिनल जोन, जो कि न्यूक्यूब सेंटर जो आपने एम्फीबियन में पढ़ा था, ठीक है, न्यूक्यूब सेंटर जो एम्फीबियन में पढ़ा था उसी के इक्विवेलेंट होता है। अब आपको याद होगा कि न्यूक्यूब सेंटर का कितना इंपॉर्टेंट रोल था, है ना, तो न्यूक्यूब सेंटर जो एम्फीबिया के केस में था वही काम पोस्टीरियर मार्जिनल जोन का है, ठीक है। और न्यूक्यूब सेंटर क्या करता था, ऑर्गेनाइजर बनाने में हेल्प करता था, ठीक उसी तरीके से ये पोस्टीरियर मार्जिनल जोन क्या करेगा, हैंसन नोड या फिर आगे हैंसन नोड या प्रिमिटिव स्ट्रिक जो बन रहा है उसको बनाने में हेल्प करता है, ठीक। तो इसीलिए न्यूक्यूब सेंटर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर था एम्फीबियन में, इसी तरीके से पोस्टीरियर मार्जिनल जोन भी यहाँ पे चिक के केस में इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट शीट ऑफ सेल ओरिजिनेटेड फ्रॉम लोकल थिकनिंग एट पोस्टीरियर मार्जिन ऑफ द ब्लास्टोडर्म कोलर सेल माइग्रेट एंटीरियर पुश प्राइमरी हाइपोब्लास्ट। जो कि हमने अभी आपको बताया ना कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे कोलर जो सेल्स हैं वो पुश करती हैं, पुश करने के बाद एंटीरियर साइड में, क्योंकि जहां पे ये क्या हो गया, पोस्टीरियर मार्जिनल जोन। अब हमने जहां पे ये मार्जिनल जोन बना वो तो पोस्टीरियर एंड एम्ब्रियो का डिसाइड हुआ, ठीक है। अब यहां से पोस्टीरियर से जब सेल्स इस तरफ जाएंगी तो ये एंटीरियरली हो जाएगा, है ना, ये एंटीरियर साइड हो जाएगा, तो मतलब कि इस तरीके से पोस्टीरियर और ये एंटीरियर होगा, ठीक। तो यहां पे पोस्टीरियर साइड में कोलर
मोटर सेल्स हैं और यही आगे चल के माइग्रेट करती हैं और फिर ये क्या हो जाती है, सेकेंडरी हाइपोब्लास्ट का फॉर्मेशन करती हैं। ठीक है, सेकेंडरी हाइपोब्लास्ट कहिए, और सेकेंडरी हाइपोब्लास्ट का दूसरा नाम क्या है, इंडोब्लास्ट। ठीक है, सेकेंडरी हाइपोब्लास्ट का दूसरा नाम क्या है, इंडोब्लास्ट। द रिजल्टिंग टू लेयर्ड ब्लास्टोडर्म, एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट। अब क्या हो गया, हमें एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट मिल चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये एक हमें एपीब्लास्ट मिल गया और दूसरा हमें ये हाइपोब्लास्ट का स्ट्रक्चर मिल चुका है। ठीक है, अब इसके बाद फिर यहाँ पे अब इतना तो हो गया कि एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट बन गया और एपीब्लास्ट के पोस्ट, मतलब जो एपीब्लास्ट था उसी के पोस्टीरियर, उसी के पास क्या था, पोस्टीरियर मार्जिनल जोन था जस्ट एंटीरियर टू कोलर सेल्स। जैसे कि यहां पे आप देख रहे हैं कि एंटीरियर ये कोलर सेल्स हैं, यहां पे ये क्या है, मार्जिनल पोस्टीरियर जोन, जो रेड कलर का दिख रहा है वो क्या है, मार्जिनल पोस्टीरियर जोन। अब इसके बाद क्या होता है कि द सराउंडिंग सेल्स विच लेटर स्ट्रीक बिकम ग्लोबुलर मोटाइल डाइजेस्ट अवे एक्स्ट्रा सेलर मैट्रिक्स बीनीथ दिस अंडरगो कन्वर्जेंट एक्सटेंशन, दिस प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोग्रेशन ऑफ स्ट्रीक। अब क्या होता है कि यहाँ पे आगे चल के यहाँ पे एक स्ट्रीक बनना शुरू होती, प्रिमिटिव स्ट्रीक बनेगी। उसके बारे में जब फॉर्मेशन हम लोग अभी बताएंगे हम आपको प्रिमिटिव स्ट्रीक, तो प्रिमिटिव स्ट्रीक किस प्रोसेस से बनती है, कन्वर्जेंट के प्रोसेस के थ्रू बनती है। यहां पे देखिए लिखा कन्वर्जेंट एक्सटेंशन, मतलब एपीब्लास्ट की ही सेल्स इनग्रेशन, मतलब कि आपने दो प्रोसेस पढ़े, एक डिलेमिनेशन के प्रोसेस में तो एपीब्लास्ट से हाइपोब्लास्ट बन रहा है और एक इनग्रेशन का प्रोसेस होता है। इनग्रेशन के प्रोसेस में क्या होता है कि इंडिविजुअल सेल्स माइग्रेट करती हैं और माइग्रेट करके तो यहां पे क्या होता है कि एपीब्लास्ट की सेल्स ने पहले तो हाइपोब्लास्ट बनाने में पार्टिसिपेशन किया, इसके बाद इन्हीं एपीब्लास्ट की सेल ने आगे चल के इन्होंने क्या किया कन्वर्जेंट एक्सटेंशन किया, मतलब इनग्रेशन किया। मीन्स एपीब्लास्ट की सेल इनग्रेशन का मतलब कि इंडिविजुअल सेल्स माइग्रेट की और माइग्रेट करके कन्वर्ज, मतलब कि एक जगह पे आके इकट्ठा हुई। ठीक है, और फिर एक्सटेंड कर गई, फिर एक्सटेंशन हुआ उनका, तो उस तरह से प्रिमिटिव स्ट्रीक बनती है। ठीक, अब वो कैसे बनती है, और जब मीन्स कि जब एपी एटली एरिया पेलुसिडा के मतलब कि एंड ऑफ प्रिमिटिव स्ट्रीक, जब प्रिमिटिव स्ट्रीक पूरी ग्रो कर जाती है तो कितना मतलब अमाउंट पार्टिसिपेट करती है कि उसकी लेंथ कितनी, 60-75% तक वो ग्रो करती है प्रिमिटिव स्ट्रीक। इसके बाद फिर वो रिग्रेस कर जाती है। प्रिमिटिव स्ट्रीक एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, प्रिमिटिव स्ट्रीक जस्ट लाइक अ ऑर्गेनाइजर। ठीक है, आप इसको ऐसे समझिए कि प्रिमिटिव स्ट्रीक में ही हैंसन नोड होता है जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑर्गेनाइजर की तरह, जैसे एम्फीबियन में ऑर्गेनाइजर था, तो यहां भी प्रिमिटिव स्ट्रीक का वैसा ही फंक्शन है। ठीक, और प्रिमिटिव स्ट्रीक बन कैसे रही है, एपीब्लास्ट से ही हाइपोब्लास्ट बनती डीलेमिनेशन के प्रोसेस से, एपीब्लास्ट से ही क्या बन रहा है, प्रिमिटिव स्ट्रीक बन रही इनग्रेशन के प्रोसेस के थ्रू, सेल्स को इनग्रेस किया जा रहा है, मींस की इंडिविजुअल माइग्रेट कर रही है एपीब्लास्ट से, फिर एक जगह पे आके इकट्ठा होती, कन्वर्जेंट होता है, फिर वो सेल्स एक्सटेंड करती है, तो एक लंबी लंबी प्रिमिटिव स्ट्रीक मिलती है। जैसे कि यहां पे आप देखिए, यहां पे क्या हो रहा है कि ये जो आपको यहां पे ये दिख रहा है, यहां पे ये एरिया ऑफ ओपेका यहां पे है। ठीक है, ये एरिया ऑफ ओपेका बाहर का, ये एरिया ऑफ पेलुसिडा है, यहाँ पे ये एरिया ऑफ पेलुसिडा, यहाँ पे देखिए कोलर सेल्स है, जहां पे कोलर सेल्स होती वहीं पे क्या होता है, पोस्टीरियर मार्जिन जोन होता है, वहीं पे कोलर सेल्स के पास ही में क्या होता है कि थिकनिंग होती है ब्लास्टोडर्म की, और इसके बाद यहीं पे बनना शुरू होता है प्रिमिटिव स्ट्रीक। तो देखिए यहां पे क्या हो रहा है, प्रिमिटिव स्ट्रीक का एक पर्टिकुलर शेप लेना शुरू किया है। तो ये कैसे बन रहा है, यहां पे ये एरो ये शो कर रहा है कि एपीब्लास्ट से सेल्स क्या हुई है, इनग्रेस करी है, एपीब्लास्ट से सेल्स में इनग्रेशन हुआ है, ये वाला प्रोसेस हुआ है इनग्रेशन, और इनग्रेशन होने के बाद फिर क्या हो रही है, ये कन्वर्जेंट हो रही है, मतलब कि एक देखिए ग्रुप ऑफ सेल्स बना रही, पहले तो सिंगल सिंगल सेल्स एपीब्लास्ट से आई, आने के बाद इन्होंने क्या किया कि ग्रुप ऑफ सेल्स बनाया, और ग्रुप ऑफ सेल्स बनके ये एक्सटेंड कर रही है, देखिए एक्सटेंशन हो रहा है, तो इनग्रेशन कन्वर्जेंस एक्सटेंशन के प्रोसेस से क्या हो रहा है, प्रिमिटिव स्ट्रीक का फॉर्मेशन हो रहा है।
और इसके बाद जब ये बनने लगती है तो कुछ समय के बाद इसमें एक ग्रुप बनती है, कुछ सेल्स बीच के खत्म होते हैं और एक ग्रुप लाइक स्ट्रक्चर बनती है जिसको कहा जाता है प्रिमिटिव ग्रुप। ठीक है, प्रिमिटिव ग्रुप। अब अगर हम इस वाले स्ट्रक्चर को देखें तो जो ये प्रिमिटिव ग्रुप बनी है ये आगे चल के यहाँ पे देखिए इस पूरा इसका फेट मैप दिखा रहा है कि यहाँ पे इस वाले स्ट्रक्चर से मतलब कि जो ये वाला पार्ट होगा यहाँ पे ये नोटोकॉर्ड बनाएगा, ये वाला पार्ट जहाँ पे हैंसन नोट प्रिमिटिव स्ट्रीक में ही आगे आगे चल के इसके प्रिमिटिव स्ट्रीक के एंटीरियर पे बनता है हैंसन नोट। ठीक है, हैंसन नोट प्रिमिटिव स्ट्रीक के एंटीरियर पे बनता है हैंसन नोट और हैंसन नोट आगे चल के क्या किसमें पार्टिसिपेशन करेगा, नोटोकॉर्ड वगैरह बनाएगा। इसके बाद फिर ये वाला एरिया जो होगा वो क्या बनाएगा, मिजोडम का फॉर्मेशन, सोमाइट्स का फॉर्मेशन। तो ये इसके फेट मैप बताए गए। अब इसके बाद फिर आगे चल के जो हैंसन नोट का इंटीरियर साइड होता है वहां पे हेड की फॉर्मेशन भी होती है। हैंसन नोट यहां पे देखिए दिख रहा है, यहां पे इस तरह से ये करते करते मींस कि जब पूरा इसका डेवलपमेंट होगा तो यहाँ पे न्यूरल फोल्ड सोमाइट्स बनेंगे, दो सोमाइट्स का फॉर्मेशन होता है, प्रिमिटिव स्ट्रीक बनती है, उस तरह से ये फॉर्मेशन हो जाता है। तो प्रिमिटिव स्ट्रीक का फॉर्मेशन कैसे हुआ, एपिब्लास्ट की सेल्स में इनग्रेशन और एक्सटेंशन कन्वर्जेंट के थ्रू, कन्वर्जेंस और एक्सटेंशन के थ्रू इसका प्रिमिटिव स्ट्रीक बन जाती है। तो किससे बनती, एपिब्लास्ट से बनती, कहाँ पे बनती, पोस्टीरियर मार्जिनल जोन जहाँ पे होता है कोलर सेल्स होती है वहाँ पे प्रिमिटिव स्ट्रीक का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद सेल्स कम टुगेदर टू फॉर्म प्रिमिटिव स्ट्रीक। ठीक है, जो हम बता रहे थे कि सेल्स आती हैं एपिब्लास्ट से एक दूसरे को ज्वाइन करती और प्रिमिटिव स्ट्रीक बनाती, फिर उनमें एक डिप्रेशन होता है। ठीक है, एक डिप्रेशन होता है जिसको कहा जाता है प्रिमिटिव ग्रुप और एक स्ट्रीक लाइक स्ट्रक्चर पूरा बन जाता है। द प्रिमिटिव ग्रुप सर्व एज अ ओपनिंग ऑफ गैस्ट्रुलेशन, मतलब कि गैस्ट्रुलेशन के स्टार्टिंग के लिए एक ओपनिंग का काम करता है प्रिमिटिव ग्रुप, थ्रू विच माइग्रेटिंग सेल पास इनटू द ब्लास्टोसील और ब्लास्टोसील से सेल्स पास कर पाती हैं उस ग्रुप के थ्रू। द प्रिमिटिव ग्रुप इज इक्विवेलेंट टू द एम्फीबियन ब्लास्टोपोर। ठीक है, तो अब क्या है कि आपको ये याद रखना है कि ब्लास्टोपोर, अगर आपको याद होगा ब्लास्टोपोर क्या था, आगे चल के ब्लास्टोपोर में ही ऑर्गेनाइजर का फॉर्मेशन हो रहा था। तो ब्लास्टोपोर के जो है एम्फीबिया का ब्लास्टोपोर वो यहाँ पे प्रिमिटिव जो स्ट्रीक है या प्रिमिटिव ग्रुप है उसी के इक्विवेलेंट है। तो इसका मतलब कि यहाँ पे जो प्रिमिटिव स्ट्रीक है वो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे, मीन्स कि वो ऑर्गेनाइजर की तरह। पोस्टीरियर मार्जिनल जोन क्या है, वो न्यूक्लियस सेंटर की तरह काम कर रहा है और जो प्रिमिटिव ग्रुप है वो ब्लास्टोपोर की तरह काम कर रही है। जो ये प्रिमिटिव ग्रुप बनती है उसी के, या जो प्रिमिटिव स्ट्रीक बनती है उसी के एक एंड पर, एंटीरियर एंड पर एक थिकनिंग होती है, एक थिकनिंग होती है, उसको कहा जाता है हैंसन नोड। ठीक है, उसको कहा जाता है हैंसन नोड। द सेंटर ऑफ नोड, हैंसन नोड हैज फनल शेप्ड इंडेंटेशन थ्रू विच सेल माइग्रेट इनटू द ब्लास्टोसील। ठीक, तो मींस कि हैंसन नोड में एक फनल शेप का स्ट्रक्चर बनता है, वहीं से सेल्स क्या करती हैं, इंडेंट मतलब अंदर की तरफ जाती हैं और ब्लास्टोसील का में माइग्रेट कर जाती हैं वो सेल, क्योंकि आगे और भी जो भी गैस्ट्रुलेशन का प्रोसेस स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे हैंसन नोड इक्विवेलेंट टू डॉर्सल, वही मतलब कि स्पर्मेन जो ऑर्गेनाइजर था वो फिर देखा गया कि पहले तो जैसे कि हम लोग ऑर्गेनाइजर पढ़ रहे थे तो ऑर्गेनाइजर में पहले ब्लास्टोपोर ग्रे क्रेसेंट था, ग्रे क्रेसेंट से ब्लास्टोपोर को हमने आइडेंटिफाई किया, ब्लास्टोपोर से हमने बताया कि ऑर्गेनाइजर का फॉर्मेशन करेगा। इसी तरीके से प्रिमिटिव स्ट्रीक पर ही हैंसन नोड पाया जाता है, फिर बाद में यही हुआ कि जो हैंसन नोड है वो स्पर्मेन ऑर्गेनाइजर की तरह काम करता है। ठीक, द फर्स्ट सेल टू एंटर प्रिमिटिव स्ट्रीक आर इंडोडर्मल प्रोजेनाइटर इंडोब्लास्ट फॉर्म एपिब्लास्ट सेल्स। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ कि दीज सेल्स गो थ्रू एपिथेलियो मेसेनकाइम ट्रांजिशन। तो अब इसमें हम लोग एक एक्सपेरिमेंट किया गया था। ठीक है, उस एक्सपेरिमेंट से ये पता गया था कि जो हैंसन नोड है वो कितना मतलब मींस इंपॉर्टेंट है। तो क्या किया गया था कि एक एम्ब्रियो लिया गया था चिक का, ठीक है, एक चिक का एम्ब्रियो लिया गया था और दूसरा डक का लिया गया था।
ठीक डक का। तो क्या किया गया कि जो चिक का एम्ब्रियो था और जो इसका ये हैंसन नोड ये आपको दिख रहा है, ठीक है, ये हैंसन नोड है, इसको ट्रांसप्लांट कर दिया गया था। इसके पास अपना तो एक होगा ही, इसके बाद यहाँ पे एक ट्रांसप्लांट कर दिया गया हैंसन नोड को, ठीक है, हैंसन नोड को ट्रांसप्लांट किया गया। जब ट्रांसप्लांट किया गया तो क्या देखा गया कि सेकेंड एक्सेस का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है, सेकेंड एक्सेस का फॉर्मेशन हो गया। इसका मतलब कि हैंसन नोड एज अ ऑर्गेनाइजर काम करता है। यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे पूरा एक प्रॉपर वे में दिखाया गया है डायग्राम के थ्रू कि कैसे कैसे डेवलपमेंट हो रही है। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि ये जो यहाँ पे देखिए सेल्स, जो भी सेल्स हैं उनका व्यू भी दिया गया है कि कौन से सेल्स, जैसे सपोज कि जो इस तरह वाले सेल्स हैं इनको कहा गया प्राइमरी हाइपोब्लास्ट, ठीक, जो इस तरह के सेल्स हैं इनको हाइपोब्लास्ट, इनको इंडोब्लास्ट मतलब सेकेंडरी हाइपोब्लास्ट। तो जैसे कि इस डायग्राम में क्या दिखाया गया कि जो ये ऊपर का व्यू है ये क्या है, ये विटलाइन मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये विटलाइन मेम्ब्रेन है। इसके नीचे जो ये येलो कलर की सेल्स दिख रही है ये क्या है, ये एपिब्लास्ट है, ठीक है, ये एपिब्लास्ट है। इसके बाद तो एपिब्लास्ट कहाँ से आई थी, एरिया ऑफ पेलिसिडा से, ठीक है, एरिया ऑफ पेलिसिडा हो गया एपिब्लास्ट वाला सेल्स। यहाँ पे जो एक दिख रहा है एरिया, इस एरिया को कहा जाता है एरिया ऑफ, ऑरेंज कलर की जो सेल्स है ये है एरिया ऑफ ओपेका, ठीक है, एरिया ऑफ ओपेका, ठीक। तो यहाँ पे सेंटर में जो सेल्स है वो क्या हो गई, वो मींस एपिडर्मिस जो कि हमने बताई थी लाइट कलर की सेल्स होती है एपिब्लास्ट बनाती है, वो क्या है एरिया ऑफ पेलिसिडा, और जो डार्क कलर की सेल्स होती है वो एरिया ऑफ ओपेका बनाती है, ठीक। अब इसके बाद यहाँ पे जो ये ग्रीन कलर की सेल्स दिख रही है ये क्या है, ये आगे चल के मतलब इन्हीं सेल से जुड़ी हुई यहाँ पे कुछ पोस्टीरियर सेल्स हैं जी, जो कि ये आगे चल के क्या करेंगी, सेकेंडरी इंडोब्लास्ट का फॉर्मेशन करने में हेल्प करेंगी, ठीक है, सेकेंडरी ये प्रोजेनिटर सेल्स होती हैं, प्रोजेनिटर सेल्स। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि ये जो प्राइमरी हाइपोब्लास्ट है, ये प्राइमरी हाइपोब्लास्ट कैसे बन रहा है, जो ये एपिब्लास्ट है एपिब्लास्ट की सेल्स डीलेमिनेट करके ये जो आपको ब्लू कलर की सेल्स दिख रही ये क्या हो गई, प्राइमरी हाइपोब्लास्ट। इसके बाद फिर क्या हुआ है कि जो ये ग्रीन कलर की सेल्स हैं आगे चल के यही सेल्स, ये जो सेल्स होती हैं जो हमने बताया था कोलर सेल्स जो होती हैं वो आगे चल के क्या करती है, ये देखिए यहाँ पे पिंक कलर की कोलर सेल्स दिख रही है, कोलर सेल्स दिख रही, यही आगे चल के क्या आगे जुड़ के क्या बनाती हैं, यहाँ पे ये बनाती हैं सेकेंडरी हाइपोब्लास्ट। तो यहाँ पे क्या हो गया कि प्राइमरी हाइपोब्लास्ट बनी एपिडर्मिस से, पोस्टीरियर मार्जिनल जोन पे जो सेल्स पाई जाती है कोलर सेल्स जहां पे होते हैं वहां से फिर क्या होते हैं कि सेकेंडरी हाइपोब्लास्ट बन रहे हैं, और इस तरीके से ये देखिए हाइपोब्लास्ट का फॉर्मेशन हो गया है। जब ये हाइपोब्लास्ट का फॉर्मेशन हो गया इसके बाद अब यहां पे देखिए यहां तक के स्टेज, यहां तक के स्टेज कैसे हैं, ये एक तरीके से प्री प्रिमिटिव स्ट्रेक, मतलब कि जब अभी प्रिमिटिव स्ट्रीक का फॉर्मेशन नहीं हुआ, अभी प्रिमिटिव स्ट्रीक का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, जस्ट स्टार्ट होने वाला है, लेकिन यहां तक क्या हो गया, ये देखिए स्टेजेस ये जो रोमन नंबर में लिखे हैं मतलब कि अभी ये ओविडक्ट के अंदर हो रहा है, ये जब एग ले डाउन हो गया, तो मींस कि ये बिफोर एग ले डाउन है, ठीक है, जब एग ले डाउन नहीं हुआ, बिफोर एग ले डाउन की कंडीशन है और ये ले डाउन के होने के बाद है। तो प्रिमिटिव स्ट्रीक का फॉर्मेशन कब हो रहा है, प्रिमिटिव स्ट्रीक का फॉर्मेशन तब हो रहा है क्योंकि गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस शुरू होता है, तो वहां पे प्रिमिटिव स्ट्रीक का फॉर्मेशन आफ्टर ले डाउन होता है, ठीक है। तो यहां पे जस्ट ये क्या हो रहा है कि हाइपोब्लास्ट का लेकिन फॉर्मेशन यहां तक कंप्लीट हो चुका है जब एग ले डाउन होगा, तो एपिब्लास्ट मतलब टू लेयर स्ट्रक्चर बन चुका होता है जब एग ले डाउन होता है, एपिब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट, ठीक। अब इसके बाद तो यहां पे वैसे भी जहां कोलर सेल्स होती हैं वहां से फिर सेल्स इस तरफ बढ़ती हैं, है ना, और हाइपोब्लास्ट का फॉर्मेशन जो करती हैं, तो इससे क्या होता है, ये पोस्टीरियर जगह पे पोस्टीरियर साइड पर पोस्टीरियर मार्जिनल जोन होता है, तो ये पोस्टीरियर साइड डिसाइड होती है और ये एंटीरियर। अब यहीं से क्या होता है कि ये जो देखिए ये आपको रेड कलर की सेल्स जो मीजोडर्म दिख रही है, तो यहां पे क्या होता है कि जो ये एपिब्लास्ट सेल्स होती यही आगे चल के मीजोडर्म का फॉर्मेशन करती हैं। अब ये तो इसका ये मतलब मींस कि इंटरनल साइड से व्यू दिखाया गया है, अगर इसका हम वेंट्रल व्यू देखें तो कुछ हमें ऐसा दिखेगा, मींस कि जो ब्लास्टोडस्ट का स्ट्रक्चर देखेंगे तो कुछ हमें ऐसा दिखेगा, यहाँ पे ये जो सेल्स हैं ये पहले कौन सी सेल्स हैं, ये प्राइमरी हाइपोब्लास्ट सेल्स हैं, फिर ये हाइपोब्लास्ट का फॉर्मेशन करेंगी, यहाँ पे ये पोस्टीरियर मींस की सेकेंडरी सेल्स बनेंगी, फिर बाद में जब एग ले डाउन होगा तो यहाँ पे जो एपिब्लास्ट की सेल्स होंगी वही इनग्रेशन के थ्रू यहाँ पे
प्रिमिटिव स्ट्रीक का फॉर्मेशन कर रही, और उसी प्रिमिटिव स्ट्रीक में आगे चल के एक क्या होगा, डिप्रेशन होगा, मीन्स की ग्रुप का फॉर्मेशन होगा, ये प्रिमिटिव स्ट्रीक ऐसे लंबी हो जाएगी और इसके एंटीरियर पे, प्रिमिटिव स्ट्रीक के एंटीरियर पे हैंसन नोट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरीके से ये पूरा एपिब्लास्ट, हाइपोब्लास्ट और हैंसन नोट, मीन्स की प्रिमिटिव स्ट्रीक और प्रिमिटिव स्ट्रीक में हैंसन नोट का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक, अब इसके बाद तो हाँ, इसमें जो दो एरिया हमने बताया, एरिया ऑफ पेलुसिडा और एरिया ऑफ ओपेका, तो एरिया ऑफ जो ओपेका होता है, एरिया ऑफ पेलुसिडा तो एम्ब्रियो बनाने में पार्टिसिपेट करता है, लेकिन जो एरिया ऑफ ओपेका है वो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बनाता है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीन्स की एक्टोडर्म का फॉर्मेशन होता है, तो ये बनाने में काम करता है। समझ रहे बात को, कि एरिया ऑफ पेलुसिडा एम्ब्रियो बनाएगा और एरिया ऑफ ओपेका क्या बनाएगा, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। ठीक, तो यहाँ पे आपको जैसे क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, तो ये वाले स्टेज क्या है, ये ब्लास्टुला वाले स्टेज है, ये वाले स्टेज कब है, बिफोर मीन्स ले डाउन। ठीक है, ये मीन्स की जो भी चिक है उसकी बॉडी में ये सारी चीजें हो रही, और ये जब एग ले डाउन हो गया तब प्रिमिटिव स्ट्रीक का फॉर्मेशन हो रहा है। तो जो रोमन नंबर में लिखा है ये क्या है, ये प्री प्रिमिटिव स्ट्रीक कंडीशन है, और ये वाली कौन सी कंडीशन है, ये पोस्ट मतलब की प्रिमिटिव स्ट्रीक कंडीशन है, मीन्स की जब प्रिमिटिव स्ट्रीक यहाँ पे बन रहा है। तो अब क्या हो रहा है कि व्हेन द प्रिमिटिव स्ट्रीक फॉर्म्ड, जैसे ही प्रिमिटिव स्ट्रीक का फॉर्मेशन हो जाता है तो एक्सिस डिफाइन हो जाती है, क्योंकि जहां से प्रिमिटिव स्ट्रीक बनना शुरू हो रही वो पोस्टीरियर और एंटीरियर हो गया, तो प्रिमिटिव स्ट्रीक के बनने से एक्सिस डिफाइन हो रही है। जब प्रिमिटिव स्ट्रीक बन जाएगी तो लेफ्ट राइट भी डिसाइड हो जाएगा, डोर्सल वेंट्रल भी, क्योंकि बीच में इस तरह से प्रिमिटिव स्ट्रीक बन रही है ना, तो ये जब प्रिमिटिव स्ट्रीक बनती जाएगी तो ये क्या हो गया, पोस्टीरियर एंटीरियर लेफ्ट राइट डोर्सल वेंट्रल भी डिसाइड हो जाता है। द एवियन एम्ब्रियो इट स्ट्रेचेस एंटीरियर टू पोस्टीरियर, प्रिमिटिव स्ट्रीक की स्ट्रेचिंग कैसे होती है, पोस्टीरियर से एंटीरियर की तरफ होती है। गेस्ट्रेशन सेल्स इंग्रेस फ्रॉम द डोर्सल साइड एंड मूव टू द वेंट्रल साइड, एंड इट इज डिवाइड इनटू लेफ्ट पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो ऑफ द राइट पार्ट, और इस तरीके से लेफ्ट और राइट भी डिसाइड हो जाता है। एट द हैंसन नोड थ्रो आउट द प्रिमिटिव स्ट्रीक एम्ब्रियो रिलीज स्कैटर फैक्टर। ठीक है, मतलब कि जहां पे हैंसन नोड का फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब कि हैंसन नोड और जो प्रिमिटिव स्ट्रीक जहां भी बनती है वहां पे एम्ब्रियो क्या रिलीज करता है, स्कैटर फैक्टर रिलीज करता है। एक प्रोटीन होती है जिसको हम लोग स्कैटर फैक्टर रिलीज करता है, ये प्रिमिटिव मीन्स की ये क्या करते हैं, एपिथिलियल शीट इंटू मेसेनकाइम सेल्स। मतलब कहने का ये है कि आगे चल के क्या करना है कि मेसेनकाइम सेल्स का फॉर्मेशन करना है, तो जहां पे हैंसन नोड और प्रिमिटिव स्ट्रीक बनता है वहां पे एक स्कैटर फैक्टर रिलीज होता है, और ये स्कैटर फैक्टर कहाँ एंटर करता है, स्ट्रीक में एंटर करता है, और ये कन्वर्ट करता है एपिथेलियल सेल्स को मेसेनकाइम सेल्स में। तो कैसे करता है ये, क्योंकि एपिथेलियल सेल्स के पास क्या होते हैं, एपिथेलियल सेल्स के पास होते हैं ई कैडरिन, और ई कैडरिन का काम क्या है कि सेल्स को मजबूती से टाइट बाइंडिंग करना। अब क्या है कि एपिथेलियल सेल्स को मेसेनकाइम सेल्स में चेंज करना है, तो जब एपिथेलियल, क्योंकि एपिब्लास्ट से ही तो मीन्स ये प्रिमिटिव स्ट्रीक बनी है, और इसी प्रिमिटिव स्ट्रीक से मेसोडर्म बनेगा, मेसेनकाइम बनना है, तो एपिथेलियल सेल्स में ई कैडरिन जो होते हैं उनको क्या किया जाए, डाउन रेगुलेट किया जाए, तभी तो वो मेसेनकाइम सेल्स की तरह कन्वर्ट हो पाएंगे। तो उसके लिए कौन सा फैक्टर होता है, स्कैटर फैक्टर होता है। एक फिर से सुन लीजिए, एक स्कैटर फैक्टर होता है, ये स्कैटर फैक्टर डाउन रेगुलेट करता है ई कैडरिन को, ये स्कैटर फैक्टर डाउन रेगुलेट करता है ई कैडरिन को। जब ई कैडरिन डाउन रेगुलेट हो जाता है तो क्या होता है, एपिथेलियल सेल्स कन्वर्ट होती हैं मेसेनकाइम सेल्स में। ठीक है, मेसेनकाइम सेल्स में कन्वर्ट होती, क्योंकि एपिब्लास्ट से ही क्या बनना है, मेसोडर्म बनना है। ठीक, तो यहां पर ये फैक्टर आपको याद रखना। अब इसके बाद जो हम लोगों ने स्ट्रक्चर देखा कि किस तरीके से इसका डेवलपमेंट हो रहा है, इस जो स्ट्रीक से क्या क्या चीजें बन रही हैं, तो यहां पे देखिए ये क्या है, ये पूरा यहां पे सपोज कि ये आप यहां पे देख रहे हैं कि ये जो लेयर दिख रही है ये एपिब्लास्ट है। ठीक है, ये लेयर क्या है, ये एपिब्लास्ट लेयर है।
इसके नीचे ये वाली लेयर क्या है, ये हाइपोब्लास्ट लेयर दिख रही है, ठीक है। ये बीच में जो कैविटी बनी है, ठीक है, जो ये ब्लास्टोसील कैविटी थी उसके बीच में ही अब ये यहाँ पे पोस्टीरियर मार्जिन पे क्या बनता है, हैंसन नोट का फॉर्मेशन होता है। ये प्रिमिटिव स्ट्रीक बनी, प्रिमिटिव स्ट्रीक से यहाँ पे क्या हो रहा है, हैंसन नोट का फॉर्मेशन हो रहा है। अब इसी ये जो एपिब्लास्ट की सेल्स हैं इनमें कुछ माइग्रेशंस होते हैं, ठीक है, सेल्स माइग्रेट करती हैं, माइग्रेट करके मीजोडर्म का फॉर्मेशन करती हैं, ठीक है, मीजोडर्म एंडोडर्म ये सबका फॉर्मेशन होता है एपिब्लास्ट से। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप ये एरो से समझिए, एरो से आपको पता चल रहा होगा कि माइग्रेशन किस तरफ हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हैंसन नोड का फॉर्मेशन या जो प्रिमिटिव स्ट्रीक है उसमें एक लेटरल मूवमेंट होता है, ठीक है, डीप लेटरल माइग्रेटिंग सेल्स, जो डीप डीपली लेटरल सेल्स माइग्रेट करती हैं वो बनाती हैं इंडोडर्म और डिस्प्लेस कर देती है हाइपोब्लास्ट को। शैलो सेल्स फॉर्म अ मीजोडर्मल मेसेनकाइम, मींस कि एपिब्लास्ट से ही क्या बन रहा है, इंडोडर्म और मीजोडर्म दोनों बन रहा है, ठीक है। किससे बन रहा है, जो ये सेल्स हैं प्रिमिटिव स्ट्रीक की सेल्स हैं वो आगे चल के लेटरली माइग्रेट करती हैं, लेटरली माइग्रेट करके जो डीप सेल्स होती हैं वो बना लेती हैं एंडोडर्म और जो शैलो होती है वो मीजोडर्म का फॉर्मेशन कर लेती है। तो एपिब्लास्ट से ही क्या बन गया, एपिब्लास्ट से ही बन गया इंडोडर्म और मीजोडर्म सेल्स। अब इसके बाद जब ऐसा प्रोसेस होता है ये जो सेल्स के, क्योंकि एपिब्लास्ट की ही सेल्स माइग्रेट करके मींस एक्टोडर्म भी बना रही हैं और माइग्रेट करके मीजोडर्म भी बना रही हैं, तो ये कैसे कर पाती, सेम सेल्स ये चीजें कैसे कर पाती, और जो सेल्स एपिब्लास्ट में वो अपने आप को कैसे वहां से रिलीज करा पाती हैं। तो इसके लिए यहाँ पे होती है FGF सिग्नलिंग, ठीक है, FGF सिग्नलिंग, FGF 8 सिक्रीट होता है। जब FGF 8 का एक्सप्रेशन होता है तो प्रिमिटिव स्ट्रीक रिपेल द माइग्रेटिंग सेल अवे, मीन्स कि प्रिमिटिव स्ट्रीक के पास जो एपिब्लास्ट की सेल्स होती हैं उनको भाई अगर लूज करके आगे चल के एक्टोडर्म और मीजोडर्म बनाना है तो प्रिमिटिव स्ट्रीक से जो सेल्स लेटरली मूव कर रही हैं वो वहां से हटनी चाहिए, रिपेल होनी चाहिए। तो रिपेल होने के लिए FGF 8 क्या करता है, रिपेल करता है प्रिमिटिव स्ट्रीक से सेल्स को, और वो सेल्स क्या करती है, माइग्रेट करती हैं, अवे माइग्रेट करती, प्रिमिटिव स्ट्रीक से दूर जाती हैं। फिर इसके बाद फिर अब क्या होता है, FGF 4 जब रिलीज होता है तो कॉर्डा मीजोडर्म, जो मीजोडर्म का फॉर्मेशन होने वाला है, अट्रैक्ट माइग्रेटिंग मीजोडर्म सेल्स, मतलब कि लेटरल मूवमेंट होता है, लेटरल मींस माइग्रेशन होता है प्रिमिटिव स्ट्रीक सेल्स का, लेटरल माइग्रेट करके इंडोडर्म और मीजोडर्म का फॉर्मेशन होता है। तो जब प्रिमिटिव स्ट्रीक से सेल्स माइग्रेट करती हैं तो उसके लिए FGF 8 फैक्टर रिलीज होता है जो कि प्रिमिटिव स्ट्रीक से सेल्स को रिपेल कराता है और वो इस तरह से डीप लेटरली माइग्रेट कर पाएंगी। इसके बाद फिर ये बनाती है मीजोडर्म, तो जो ये कॉर्डा मीजोडर्म बनाती हैं उसके लिए FGF 4 रिलीज होता है जो कि अट्रैक्ट करता है माइग्रेटिंग सेल्स को। फिर वो सेल्स भाई मीजोडर्म इंडिविजुअल सेल्स से तो बनेंगी नहीं, फिर वो आगे चल के मींस की एक ग्रुप ऑफ सेल्स बनाएंगी, तो फिर उनको अट्रैक्शन के लिए कौन काम करता है, FGF 4 करता है। तो इस तरीके से इंडोडर्मल और मीजोडर्मल सेल्स का माइग्रेशन कहां से होता है, प्रिमिटिव स्ट्रीक से होता है, और प्रिमिटिव स्ट्रीक से मीजोडर्म और एंडोडर्म का फॉर्मेशन हो जाता है। अब इसके बाद तो यही जो FGF सिग्नलिंग है उसी के बारे में यहाँ पे और मतलब डिटेल में लिखा हुआ है कि FGF 8 कब एक्सप्रेस होता है, जब प्रिमिटिव स्ट्रीक रिपेल द माइग्रेटिंग सेल्स अवे फ्रॉम द स्ट्रीक, और FGF 4 सिक्रीट होता है जब कॉर्डा मीजोडर्म को बनाना होता है। तो ये FGF सिग्नलिंग यहाँ पे प्रिमिटिव स्ट्रीक में चलती है, जहाँ पे आपको ये याद रखना होगा कि FGF 8 का काम क्या है, प्रिमिटिव स्ट्रीक से सेल्स को रिपेल कराना जिससे कि सेल्स डीप माइग्रेट कर पाएं, लेटरली माइग्रेट कर पाएं, और फिर जो FGF 4 है उसका काम क्या है कि उनको सेल्स को अट्रैक्ट कराना कॉर्डा मीजोडर्म में, ठीक। तो इस तरीके से एक्टोडर्म और मीजोडर्म का फॉर्मेशन हो गया प्रिमिटिव स्ट्रीक से। अब इसके फेट का अगर देखें कि जो फेट प्रिमिटिव स्ट्रीक से क्या क्या चीजें बन रही हैं तो वो हम लोग देख सकते हैं। एज सून एज स्ट्रीक हैज डेवलप्ड, जैसे ही स्ट्रीक बनता है, एपिब्लास्ट सेल्स बिगिंस टू मूव थ्रू ब्लास्टोसील टू फॉर्म अ मीजोडर्म और इंडोडर्म। जैसा कि हमने बताया मीजोडर्म और एंडोडर्म का फॉर्मेशन हो गया प्रिमिटिव स्ट्रीक से। दस प्रिमिटिव स्ट्रीक फॉर्म्ड बाई एन ऑलवेज चेंजिंग सेल पॉपुलेशन विद रिस्पेक्ट टू मीजोडर्मल कॉम्पोनेंट द एंटीरियर एंड ऑफ द स्ट्रीक
तो जो स्ट्रीक का एंटीरियर एंड होता है वहां पे हैंसन नोड होता है, वो हैंसन नोड क्या देता है, प्रीकॉर्डल प्लेट मीजोडर्म देता है, नोटोकॉर्ड देता है, कौन, हैंसन नोड, ठीक है। तो प्रिमिटिव स्ट्रीक के लेटरल माइग्रेशन से मीजोडर्म और एंडोडर्म बन गया। इसके बाद जो हैंसन नोड है प्रिमिटिव स्ट्रीक के जो एंटीरियर एंड पर एक हैंसन नोड बना है, उस नोड से क्या क्या बन रहा है, प्रीकॉर्डल प्लेट मीजोडर्म बन रहा है, नोटोकॉर्ड बन रहा है, रोस्टल सोमाइट मतलब कि एंटीरियर सोमाइट्स बनते हैं, ठीक है। सोमाइट सेल्स आपको पता है कि हमने सोमाइट्स का रोल बताया था लिम डेवलपमेंट में, तो सोमाइट्स बनते हैं, पेरिफेरल एम्ब्रियो के टिश्यूज होते हैं, सोमाइट्स बन रहे हैं। अब इसके बाद और यहाँ पे दो सोमाइट्स मतलब एक बार में दो सोमाइट्स बनते हैं, अभी हम आपको बताते हैं सोमाइट्स का कुछ कैलकुलेशन होता है। सेल्स दैट माइग्रेट थ्रू मिडिल पार्ट ऑफ द स्ट्रीक गिव राइज सोमाइट्स, हार्ट, किडनी। इसके बाद फिर इसी से क्या मिलता है हमें, ये सारे ऑर्गन मिल जाते हैं। द सेल्स कमिंग फ्रॉम द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ स्ट्रीक, जो स्ट्रीक के पोस्टीरियर पार्ट होते हैं वहां से लेटरल प्लेट बन जाती है और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेजोडर्म बनता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये इसका फेट है कि क्या क्या सेल्स कहाँ कहाँ से बन रही हैं। तो यहाँ पे ये देखिए इसका एक तरीके से फेट मैप ही दिया गया है। यहाँ पे ये आप देख पा रहे हैं कि ये योक सैक है, यहाँ पे गट का फॉर्मेशन, ये दो सोमाइट्स का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक। इसके बाद यहाँ पे फिर जो हैंसन नोड होगा वही आगे बढ़ के फिर न्यूरल प्लेट का फॉर्मेशन होगा। इस तरह से ये पूरा इसका यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये देखिए न्यूरल ट्यूब बन गया, यहाँ पे ये सोमाइट्स हैं, फिर इसके बाद ये इंडोडर्म है, ये ऊपर वाली एक्टोडर्म है। तो ये इसका क्या है, फेट मैप है। अब इसके बाद जो सोमाइट्स होते हैं, तो किसी भी एग को इनक्यूबेट करना पड़ता है 20 आवर्स के लिए। जब एग लेइंग होती है तो 20 आवर्स के मींस कि हाँ 20 आवर्स के लिए इनक्यूबेट होता है, और इनक्यूबेट होने के बाद तब क्या होता है कि वन पेयर ऑफ सोमाइट्स बनते हैं, वन पेयर ऑफ सोमाइट्स बनते हैं, ठीक है। मीन्स कि 20 आर का इंक्यूबेशन के बाद, जैसे 20 आर इंक्यूबेट होने के बाद वन पेयर ऑफ सोमाइट्स का फॉर्मेशन होता है। वन पेयर ऑफ सोमाइट्स मतलब एक घंटे, हर एक घंटे में वन पेयर ऑफ सोमाइट्स पर आर बनते हैं, ठीक। तो जैसे अगर आपको आपको कोई ये दे दिया जाए कि फोर पेयर ऑफ सोमाइट्स अगर होंगे, जैसे मान लीजिए कोई कह दे कि फोर पेयर ऑफ सोमाइट्स हैं, तो वो उस एम्ब्रियो की मतलब कितने घंटे का एम्ब्रियो होगा, तो उसमें आप क्या जोड़ेंगे कि 20 आवर्स के इंक्यूबेशन होता है, 20 आवर्स इंक्यूबेशन और उसके बाद फोर पेयर, तो एक पेयर सोमाइट्स का कब बनता है, एक घंटे में, तो और फोर पेयर सोमाइट्स के तो कितने, फोर। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, 24 आवर्स का एम्ब्रियो आप बता देंगे। अगर सपोज मतलब इसी तरीके से क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है, तो आपको क्या चीज याद रखनी कि 20 आवर्स के इंक्यूबेशन के बाद एक पेयर ऑफ सोमाइट्स पर घंटा बनता है। तो अब जितने घंटे का एम्ब्रियो अगर आपको निकालना है, जितने सोमाइट्स पेयर है, सपोज कि यहाँ पे 8 सोमाइट्स होते, तो आप इसमें 8 जोड़ देते, 8 आवर्स, तो 28 आवर्स का एम्ब्रियो हो जाता। तो इस तरीके से सोमाइट्स के फॉर्मेशन होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग तो जो गैस्ट्रुलेशन होता है, उस गैस्ट्रुलेशन में जो उसके कुछ कुछ करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो कि हम लोग पढ़ तो चुके हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, द हाइपोब्लास्ट, द फॉर्मेशन ऑफ हाइपोब्लास्ट हो गया गैस्ट्रुलेशन के प्रोसेस में, इट इज इंपॉर्टेंट रोल फॉर्मेशन ऑफ द एक्सिस, ओरिएंटेशन ऑफ एम्ब्रियो, प्रेजेंस ऑफ सेल्स ऑफ ऑल थ्री जर्माइनल एरियाज आर इन एपीब्लास्ट, ठीक है। मीन्स कि सभी मेजोडर्म, इंडोडर्म, एक्टोडर्म सभी किससे बन रहा है, एपीब्लास्ट से बनता है, ठीक है। एवियन के केस में, चिक के केस में, तीनों ही चीजें किससे बनती, एपीब्लास्ट से, एक्टोडर्म, मेजोडर्म, एंडोडर्म, ठीक। मेजोडर्म और एक्टोडर्म तो हम आपको बता ही चुके हैं, आगे चल के यही प्रिमिटिव स्ट्रीक रिग्रेस करके फिर आगे चल के एक्टोडर्म बनाती है एपीबोली के थ्रू। द फॉर्मेशन ऑफ प्रिमिटिव स्ट्रीक, प्रिमिटिव स्ट्रीक भी गेस्ट्रेशन के प्रोसेस में होती है, रिग्रेशन इन लेटर स्टेज ऑफ, फिर लेटर स्टेज में जब 60-75% की प्रिमिटिव स्ट्रीक हो जाती है, इसके बाद प्रिमिटिव स्ट्रीक रीग्रेस कर जाती है, इसके बाद रीग्रेस कर जाती है। एब्सेंस ऑफ आर्केंट्रॉन फॉर्मेशन, आर्केंट्रॉन का फॉर्मेशन आपने देखा नहीं हो रहा था यहाँ पे, और पूरा इसमें कौन कौन से मूवमेंट होते हैं, इनग्रेशन होता है, इन्वोल्यूशन, कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस, एपीबोली, ये सारे प्रोसेस होते हैं, ठीक। एपीबोली से एक्टोडर्म का फॉर्मेशन होगा, इनग्रेशन से क्या बताया था हमने, इनग्रेशन से प्रिमिटिव स्ट्रीक का फॉर्मेशन होता है, डीलेमिनेशन होता है, डीलेमिनेशन के प्रोसेस के थ्रू क्या होता था कि एपीब्लास्ट से हाइपोब्लास्ट का फॉर्मेशन हो रहा था। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब इसके एक्सिस का स्पेसिफिकेशन, मीन्स कि ये तो डेवलपमेंट